वेलकम टू पेटेक। आज हम आए हैं एक कंप्लेन के लिए कि भाई इन्होंने पहले से सिस्टम लगाया था, उनमें उन्होंने ड्राई सेल्स लगाए थे। ड्राई सेल्स का कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन उसमें मसला ये है कि उसके साथ एक डिवाइस लगता है और वो डिवाइस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो ड्राई सेल्स उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो इस वजह से वो ठीक से काम नहीं करते। तो आज हम आए इनको मेंटेनेंस करने, इनकी सिस्टम को दोबारा से रीइंस्टॉल करने। आप देख लेंगे हम किस तरीके से काम करते हैं, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, तो आज सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, प्रॉपर वर्क हम करते हैं। तो ये हाजी हयात खान का घर है, इनके यहाँ हम अभी सिस्टम करेंगे। तो चले अब देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये एक सिस्टम लगा हुआ है 3.2 केवीए का इनवर्टर का। और इन्होंने ये सेल्स लगाए हुए हैं और ये सेल्स जो जितने भी हैं मतलब काम नहीं कर रहे। तकरीबन 12 सेल्स सीरीज़ में लगे हुए हैं, 300 एम्पीयर का शोटो वाला, लेकिन ये सही से काम नहीं कर रहा। अभी हम सोलर पैनल्स की तरफ चलते हैं कि वहाँ पे क्या सिस्टम क्या हुआ है। अच्छा, ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, एक तो ये कि इस पर तो डस्टिंग बहुत ज़्यादा है, कोशिश कीजिए कि इसकी सफाई मतलब किया करें, और इसमें एक पैनल डैमेज भी है, बिल्कुल डैमेज है। वायरिंग का क्या सीन है। देख लें आप, ये वायर्स लगे हुए हैं लेकिन बग़ैर थिंबल्स के। बग़ैर थिंबल्स के जब भी लगे होते हैं तो इनमें लॉसेस आती है, लूज़ होती है, तो प्रॉपरली काम नहीं करता। हम जो करते हैं तो प्रॉपर थिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, उससे लूज़ कम हो जाती है। ये सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। हमने इधर पे पहले जो थे सिंगल पोल ब्रेकर्स लगे हुए थे, और जो मतलब न्यूट्रल वायर था वो कॉमन किया गया था, और 329 वायर इस्तेमाल किया गया था। हमने 729 का वायर इस्तेमाल किया, और इस तरीके से हमने प्रॉपर थिंबल्स इस्तेमाल किए। पहले थिंबल्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे। आप देख ले, इसमें कोई भी वायर आपको लटका हुआ नज़र नहीं आएगा। और ये हमने पैनल के लिए ब्रेकर इस्तेमाल किया है, और साथ में हमने यहाँ पे दो बैटरीज लगा दिए। पहले सेल्स लगे हुए थे, सेल्स नाकाम है, सिंपल बात। अच्छा, और यहाँ पे हमने जो है अर्थिंग के लिए ये नीचे वायर लगा दिए, और साथ ही साथ में अच्छा, तो इस तरीके से हमने ये बिल्कुल प्रॉपर कवर कर दिए। ये भी हमने फ्लेक्सिबल पाइप के ज़रिए से भी, आप देख लें, हमने सोलर पैनल्स की जो डायमेंशन थी और एंगल था दोनों चेंज कर दिए। पहले ये इधर इस तरह लगी हुई थी, तो सूरज जो है इस पर ठीक से नहीं पड़ता था सूरज की रोशनी, तो हमने अभी इसको ठीक से कर लगा दिए। और जो वायर था उसको हमने प्रॉपरली इस पाइप में हमने बंद करके यहाँ तक ले कर आए, फिर थिंबल्स के ज़रिए हमने इसको यहाँ पे टाई किए, और प्रॉपरली हमने वायर्स लगा दिए फिर से।
دا مخکې دا پیسہ موږ سیلونه لګولې دی لیکن هغه سیلونه چې کوم دی هغه کار ونه کړو او د هغې نه وروسته بیا موږ هغې ډېر په ادب کړو کال یو نیم تقریبا اصل کې ځایم ټایم پاس کړو اوس چې کوم دی دا تاسو چې کوم کار وکړو دا ګریپونه ولې موږ راوړو ډېر بېکار چې به موږ راوړو په 300 په 500 روپیا پاس کار به وکړو اوس ګریپونه هم صحیح شو دا شي نه او چې کوم دی پاس دغه دغه کې چې کوم دی دغه شي نه هم بدل شو دا هم صحیح شو دا مې په دویمه درېمه ورځ صحیح ځل نو په کله به 25 راوړو کله به 40 راوړو په دغه شینو باندې اوس ماشاءالله موږ د شپې بلفونه هم بلو پکیم پر شپې لګېدلې 24 ګڼټې راي او د ورځې هم ډېر مزیدار لې موږ هغه منډو را منډو تکلیفونه نه خلاص شو اوس دا بیټه چې کومه دا ډېره ښه کوالټي ده دا ما خپل ځای مخکې مې استعمال کړو خو دې کې نه ما په ګاډي کې استعمال کړی پونه نو دا کوالټي زما ځای خوښه ده دا را ته وایي چې مخکې به څنګه حساب و سونه لوډ به پې تاسو واچولو کار به کولو که نه اوس یاره بس مخکې خو دې مونږ نه دا اوبو ماشین دی نه ټویل نه چې بور نه چې دی هم دسو لاړم چې کم پاور او سهار مار نه لګولې او ما نه هېرو بجلي په اوو بجې لاړه او ما کارنګ ماشین دی چالو ډېر مزیدار کار کوي ستا جامو ماشین فرجونه پې لګېدلې ډېر مزیدار کار کوي بس بیا پیغام وي د بجلي بیا صحیح سریم کوي ٹھیک ہے جس کسی کو بھی سسٹم کی مینٹیننس کی ضرورت ہو یا دوسرا نیا سسٹم انسٹال کرنا ہو تو ہمارے یہ نمبرز ہیں اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ